नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता और स्वाद विद संगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में करेली के भरवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे ना हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो इसके लिए ना मैंने 1/2 kg करेला लिया है, और करेला भरवा के लिए जब बनाने के लिए लेंगे ना, तो आप जब भी लीजिए तो थोड़ा सा मोटा जो देख करके करेला हो उसे लीजिएगा, जिसके अंदर थोड़ी मतलब जगह हो, जिससे कि आप जब फिलिंग करें ना इसमें भरवा बनाए तो अच्छे से इसमें अंदर में इसमें स्पेस हो, जगह हो, जिसके वजह से आप इसमें स्टफिंग कर पाए अच्छे से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे अच्छे से पहले धो लेते हैं, और मैंने ना 3 टमाटर भी लिए हैं पके हुए अच्छे से, और 3 मैंने ना प्याज भी लिया है। तो पहले इसको अच्छे से धो लेते हैं करेली को बाहर से। तो ये मैं धो करके ले आई हूँ, और इसे अब हम काट लेते हैं। तो किस प्रकार से काटेंगे और कैसे बनाएंगे वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नया हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैं बीच से काट ले रही हूँ, और ये इस प्रकार से ना एक बार बीच में काटने के बाद में ना बीच से एक बार ऐसे कट लगा देंगे, अगेन मतलब बीच से चीरा लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसमें भी इस तरीके से लगा देंगे। पूरा मतलब काट के निकालना नहीं है, केवल मतलब बीच से हल्का सा चीरा लगा के छोड़ देना है, नीचे में ज्वाइंट रहना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये देखिए मैं और काट करके दिखाती हूँ अगेन। तो ये देखिए मैं इसे इस तरह से काट लेंगे, और बीच से इस तरह से काटना है और पूरा अलग नहीं करना है। ये देखिए मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा करेली ख़राब निकल गया है, मतलब ऐसे ऊपर से पता नहीं चलता है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है ना कि अंदर में हल्का सा इसका बीज जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर हो तो आप उसे मतलब हटा दीजिए। तो मैं हाफ जो है अच्छा है तो मैं इसका यूज कर ले रही हूँ, और जो उसका ख़राब पार्ट है ना वो मैं से हटा दे रही हूँ। ये देखिए ये फ्रेश है, बढ़िया है, तो मैं आधा यूज कर ले रही हूँ इसका, और इसे भी हम काट लेंगे इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है ना कि ऊपर सबको पता नहीं चलता है कि करेली में ख़राब है, और अंदर में आप काटेंगे ना तो उस प्रकार से निकल जाता है। ये देखिए ये बढ़िया है, तो बीच से इस तरह से काटना भी ज़रूरी है इसलिए भी, ताकि आपको पता चले कि अंदर में ख़राब नहीं है। तो ये हो गया है देखिए, और ये देखिए हल्का सा, ये देख रहे हैं ना हल्का हल्का ये दाग, इधर से अच्छा है बट उधर साइड से थोड़ा सा दाग है, तो मैं पूरा ही हटा दी वहाँ से। और हम सब इन सबको क्या करेंगे ना कि इसको बॉयल कर लेंगे, उबाल लेंगे। तो मैं इसको ना उबालने के लिए एक बर्तन ले रही हूँ, तो कढ़ाई ले रही हूँ मैं इसमें, और इसमें डाल देंगे कटे हुए सभी करेले को, और अब हम डाल देंगे इसमें ऊपर से पानी। और इसमें मैं एक टिप्स बताती हूँ फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ना आपकी करेली कड़वी नहीं लगेगी, बच्चे भी खा सकते हैं इसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी भी, जिसकी वजह से ना ये कड़वापन इसका कम लगता है। तो ये डाल दे रही हूँ मैं 1 चम्मच हल्दी भी, और अब हम इसे उबाल लेंगे। तो उबालते वक्त नमक ज़रूर डालिएगा, इसके वजह से डालने से ना क्या होता है कि ऊपर तक नमक मतलब पता चलेगा करेली में। तो जब भी हम जैसे स्टफिंग वगैरह जब करेंगे ना, मसाला भरेंगे ना, तो क्या होता है मसाला में तो नमक पता चलता है लेकिन ऊपर करेली में नमक नहीं पता चलता है, तो इसलिए उबालते वक्त नमक ज़रूर डालिएगा। तो ये ढक करके उबाल लेंगे थोड़ी देर। तो चलिए मसाले की तैयारी करते हैं जब तक से उबल रहा है। तो ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, और अभी गर्मी का मौसम है, आम मिल रहा है ना, तो मैं आम का प्रयोग कर रही हूँ। मैंने एक आम को छील लिया है, कच्चा आम। तो अगर आम नहीं है तो आप इसके जगह पे आमचूर पाउडर यानी खटाई भी ले सकते हैं, तो मैं आम ही ले रही हूँ। तो ये मैंने छील करके आम ले लिया है एक, और ये मैं लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ 15 से 20, और ये मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, और अब हम डाल देंगे इसमें सरसों। तो मैं 3 चम्मच सरसों डाल रही हूँ, राई भी कहते हैं इसे, और 2 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ जीरा। और अब हम लेंगे इसमें अजवाइन और मंगरेला, मंगरेला हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसे कलौंजी भी कुछ लोग कहते हैं, तो वो लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ये धनिया का पाउडर, तो अगर आपके पास में साबुत धनिया है तो वो भी आप ले सकते हैं 1 चम्मच। और मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर 1 चम्मच। इसमें अब डाल देंगे पानी थोड़ा सा पीसने के लिए, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना पानी डाल करके इसे हम पीस लेंगे। तो मैं लाती हूँ इसे पीस करके भी, ये देखिए मैंने पीस लिया है इसे, और 10 मिनट के करीब हो चुका है। तो इधर हमारा करेला भी उबल चुका होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए उबल चुका है, तो अब क्या करेंगे, गैस करेंगे बंद और इसे उतार लेंगे। पहले मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ना अच्छे से इंसर्ट हो जा रहा है फोर्क से डालेंगे तो इसे उतार करके ठंडा कर लेंगे, और इसके बाद इसका बीज निकाल लेंगे।
तो ये मैं निकाल ले रही हूँ इसके बीज को, और इसके बीज को भी प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में आगे। तो मैं निकाल ले रही हूँ सभी बीज को इसके अंदर से, और इसी प्रकार से निकालना है, पूरी अलग नहीं करना है करेली को, ये मतलब ज्वाइंट रहना चाहिए एक साइड से। ये देखिए, तो मैं निकाल ले रही हूँ चम्मच के सहायता से, अच्छे मतलब आसानी से निकल जाता है इसके बीज। तो ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं बीज को, और बीज का प्रयोग भी बाद में करेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में, बने रहिएगा। और इधर मैंने ना टमाटर को भी और प्याज को भी अपने छोटे छोटे आकार में मैंने काट लिया है। और अब चलिए कढ़ाई गर्म करते हैं, और इसमें डाला है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें हम डाल देंगे प्याज को, और प्याज को डाल करके हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज भून चुका है, तो अब हम डाल देंगे टमाटर को। तो प्याज को पहले अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे टमाटर को। और टमाटर को डालने के बाद, टमाटर जब थोड़ा सा भून जाएगा ना, तब हम डाल देंगे मसाला को जो हमने पीस के रखा है मिक्सी जार में। तो ये मैं सब डाल दे रही हूँ, और इसे डाल करके चला लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी, तो मैं रिंस करके डाल दे रही हूँ मिक्सी जार को ही धो करके, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भूनेंगे थोड़ी देर। और अब हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक जब डालेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे जब हमने उबाला था ना करेली को, तब भी हमने नमक डाला था थोड़ा सा, तो इसका ध्यान रखते हुए नमक डालिएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें बीज को, जो हमने इसके बीज को निकाल के रखा था ना उबालने के बाद में करेली को। तो आप चाहे तो बीज को ना पीस करके डाल सकते हैं। तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, बीज वगैरह नहीं पसंद करते खाना, तो उन्हें पता नहीं चलेगा, आप पीस करके डाल सकते हैं इस बीज को। तो ये देखिए हो चुका है, मसाला भून चुका है, मसाला थोड़ा ठंडा हो चुका है ना, तब हम इसे भर लेंगे। तो मैं भर ले रही हूँ इस तरह से, दबाते हुए पूरे अच्छे से भरिएगा मसाला को। ये देखिए इस तरीके से इसमें डालना है, और इसे चम्मच के सहायता से दबाते हुए भर लेंगे अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों, इसे आप एक बार बना करके देखिएगा हमारे स्टाइल में, मतलब बिहारी स्टाइल में। तो इस प्रकार से बनाइएगा आप ज़रूर, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और इस प्रकार से आप बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये करेले के भरवा। तो ये देखिए इस तरह से सारा मैंने भर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, धागा लेंगे, कोई भी आप धागा ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, और इसे ना लपेट लेंगे इस तरीके से। तो धागा लपेटने का कारण ये है दोस्तों कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना अगेन, तो इसमें का मसाला जो है वो निकलेगा नहीं। तो इस तरह से आप लपेट दीजिएगा, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जिन्हें मतलब जिन्होंने खाना बनाना नया नया शुरू किया है ना, तो वो इस प्रकार से बिना धागा लपेटे बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि खुल जाएगा। हम लोग बिना धागा लपेटे भी बना लेते हैं तो नहीं खुलता है, लेकिन इस तरह से धागा लपेट करके आप फ्राई करेंगे ना, तो सुविधा होगी आपको अलटने पलटने में। तो चलिए मैंने पैन गर्म कर लिया है, इसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, लेकिन 3 से 4 चम्मच डालिए। और जब तेल गर्म हो जाए ना, तो इसमें डाल देंगे हम इसको करेले को जो हमने भर के रखा है, और इसे अलटते पलटते हुए ना फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, जिससे कि ऊपर से ये ना अच्छे से ये पक जाए, क्रिस्पी भी हो जाए थोड़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, यानी घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ये देखिए मैंने अलटते पलटते हुए इसे अच्छे से पका लिया है, और ये ऊपर से ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। दोस्तों मेरी वीडियो आप किस शहर और किस प्रांत से देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सबके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो ये देखिए हो चुका है, मैंने उतार लिया है गैस के से नीचे, और मैं इसे आपको ना उतार करके प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसे खाना कैसे है, इसमें धागा लपेटा हुआ है, आपका प्रश्न ये भी हो सकता है। तो इसे आप सर्व करने से पहले ना इसके धागे को निकाल लीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से निकालना है। कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ये धागे को लेना है, इसमें कोई गांठ वगैरह नहीं है, बस केवल लपेटा था हमने ना, तो इस प्रकार से आप करेंगे ना तो आसानी से ये खुल जाता है। ये देखिए इस तरीके से, और अब आप इसे सर्व कीजिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।